दिल्ली में लगातार बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने अपनी कैबिनेट मंत्री का बैठक किया है। आइए हम जानते हैं, यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली जी। सर, आपने आज अपने जो दिल्ली सरकार में रह चुके कैबिनेट मंत्री के साथ अपने मीटिंग किया, इसकी वजह? देखिए, लोकतंत्र में लोगों का प्रतिनिधित्व विधानसभाएं और पार्लियामेंट करती है, और विधानसभा और पार्लियामेंट जब सेशन में ना हो तो कैबिनेट उसका प्रतिनिधित्व करती है। दिल्ली के हालात जिस तरीके से गंभीर हो रहे हैं, उसके बावजूद ना तो केंद्र की कैबिनेट को समय है कि वो दिल्ली की समस्याओं के ऊपर विचार करे। लगता है कि उन्होंने मान लिया है कि दिल्ली देश का हिस्सा नहीं है, और दिल्ली की सरकार के पास तो फुर्सत ही नहीं है कैबिनेट बुलाने की, उनकी सीरियसनेस ही नहीं है इस इशू को लेकर, और दिल्ली के लोगों का जीवन बद से बदतर होता जा रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस ने एक जिम्मेवार दल के नाते अपने पूर्व मंत्रियों की मीटिंग बुला के एक हमने व्हाइट पेपर तैयार किया है, जिसमें हमने उन प्रॉब्लम्स को चिन्हित किया है जो दिल्ली में पोल्यूशन का सोर्स है। और मेरा यह है कि ये पराली पराली करते रहते हैं, लेकिन जो विद इन दिल्ली होना है उसके ओर तो योजना बनाए। और हमने खाली प्रॉब्लम्स नहीं बताई हैं, हमने उनके सॉल्यूशंस भी उस व्हाइट पेपर में बताए। अभी मैं पिछले दिनों सुन रहा था कि एनवायरमेंट मिनिस्टर कह रहे हैं कि दिल्ली में पटाखे जल गए। भाई, पटाखे जल गए तो उसको रोकेगा कौन? उसको रोकेगा डीसी एसडीएम क्या कर रहे हैं, केंद्र सरकार की पुलिस क्या कर रही है? अगर इसका मतलब ये है कि वो कुछ नहीं कर गए तो एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स कर गई। तो इसीलिए हमने इस व्हाइट पेपर के साथ सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश की है, उनका धन्यवाद किया है कि वो दिल्ली के मामलों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, कि वो एक कमेटी बनाए सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में, जिसमें एनवायरमेंटलिस्ट स्पेशलिस्ट रखें ताकि वो दिल्ली की प्रॉब्लम्स को और इनके सॉल्यूशन को मॉनिटर करें, क्योंकि इन सरकारों से कोई उम्मीद हमें रहनी गई है। जो आपने व्हाइट पेपर जो बनाए, ये कहाँ किनको सौंपने वाले? देखिए, हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को और सेंटर के एनवायरमेंट मिनिस्टर, तीनों को ये भेजेंगे। सर, लास्ट सवाल की, जो आप कल गए थे छठ घाट पे, तो वहाँ का जो व्यवस्था था उसको देखते हुए आपने हवा और पानी दोनों को गंदे होने की बात की? मैंने गलत कहा तो बता दीजिए, हवा में पोल्यूशन है, पानी में जहर है, यही दिल्ली में कहर है। और प्रॉब्लम यह है कि दोनों राजनीति करते हैं, छठ के छठ यमुना में पहुंच जाते हैं। अब मैं भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछना चाहता हूं कि आप 8-9 साल से केंद्र में सत्ता में हैं, क्या एक योजना केंद्र सरकार से आपने बनवाई दिल्ली में छठ पूजा ठीक से व्यवस्था हो जाए? और सबसे मामूली काम तो आप ये कर सकते थे कि आप हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिख देते और छठ से पहले कुछ एक्स्ट्रा पानी छुड़वा देते, वो भी मजबूरी में हमें लिखनी पड़ी है चिट्ठी। पार्टी इनकी, मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर इनका, इनको केवल और केवल फोटो खिंचवाने की जरूरत है। अभी अगली छठ पे ही मिलेंगे नमुना भाई, उससे पहले नहीं। पॉल्यूशन का जो अभी स्तर है ये लगातार 2 महीने तक बना रहेगा, तो आपको क्या लगता है इस 2 महीने में दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार कुछ करने वाली है? देखिए, यही तो प्रॉब्लम है, ये चाहते हैं कि ये 2 महीने निकले फिर अगले साल बात करेंगे पॉल्यूशन की। ये कब तक ये चलेगा ट्रक लगाने का? हमको कंक्रीट रोड मैप और प्लान बनाना पड़ेगा। नॉर्मली प्लान की बात करें, एक प्लान की बात करें जो सटीक बैठता है इस पॉल्यूशन को लेकर। बहुत सारी चीजें हैं, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्ट्रेंथन हो, डस्ट पार्टिकल्स पे हो, मेट्रो और डेसीज प्रोजेक्ट टाइम से खत्म हो, गार्बेज का इलाज हो, लैंडफिल साइट का इलाज हो, हमने बहुत सारे सोल्यूशन बताए हैं जो पॉसिबल सोल्यूशन है। तो साफ तौर पे जो दिल्ली कांग्रेस है वो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों पे हमलावर है, और उनका आरोप है कि दोनों सरकारें अगर मिलकर काम करती तो ये जो पॉल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ रहा है ये यहाँ तक नहीं पहुँच पाता और दिल्ली की जनता को परेशान होना नहीं पड़ता। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली।